हमारा अगला जो कंसेप्ट है वो अगला कंसेप्ट है आवर्धन, और आवर्धन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी। कि आवर्धन का कंसेप्ट देखो, आवर्धन है क्या, मैग्निफिकेशन अगर बात करते हैं हम लोग, तो मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं सबसे पहले बात, ठीक। अगर मान के चलो कि एक वस्तु है, वस्तु का साइज कुछ है, 6 सेंटीमीटर है वस्तु का साइज, आकार उसका जो लेंथ है टोटल लंबाई, ठीक, और प्रतिबिंब जो है वो 2 सेंटीमीटर का बन गया। तो वस्तु से प्रतिबिंब कितना छोटा है या कितना बड़ा है, वस्तु का कितना था, यानी ये कंपेयर, आवर्धन क्या है दोनों की हाइट का कंपेयर है। दर्पण सूत्र क्या था, दर्पण सूत्र उसके डिस्टेंस का कंपेयर था, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी। अगर ये 2 सेंटीमीटर का वस्तु है, अगर ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश कोई ऑब्जेक्ट बन गया, ये 6 सेंटीमीटर का बन गया, तो ये कितना गुना बना, 3 सेंटीमीटर, 3 गुना बना। तो अब 3 गुना जो बना यही, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, आवर्धन बोल देते हैं। आवर्धित मतलब कि अगर को बोल दिया जाता है कि प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित बना, तब 4 गुना आवर्धित बनने का मतलब क्या कि अगर वस्तु का साइज 2 सेंटीमीटर होगा तो प्रतिबिंब का साइज 8 सेंटीमीटर होगा, समझे। तो ये आवर्धन का कंसेप्ट, आवर्धन मतलब क्या कि उसके साइज को बताता, ठीक, कि कितना गुना बना, ठीक। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है, आवर्धन किसको कहते हैं, तो आवर्धन का फॉर्मूला यानी तो आवर्धन लिख सकते हो आप बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश लिखते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h लिखते हैं। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी लिखा रहता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h i मतलब इमेज, h o मतलब ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो अब आवर्धन के, आवर्धन को किसे नोट करते हैं, m से, मैग्निफिकेशन से। तो m इज इक्वल्स टू क्या होता है, h i बाय h o या नहीं तो h डैश बाय h। देखिए ये बेसिक कंसेप्ट है आपका, ठीक। तो ये प्रतिबिंब के आवर्धन, आवर्धन क्या है बोला जाएगा कि चलो ये 2 सेंटीमीटर का कोई ऑब्जेक्ट है और ये 8 सेंटीमीटर का कोई वस्तु है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसका प्रतिबिंब है 8 सेंटीमीटर का, ए डैश और ये बी डैश, इसका आवर्धन बताओ। तो कुछ नहीं करना है इसमें, आवर्धन क्या है, आवर्धन की दो, ये कितना गुना बना, कितना गुना बना इसका, 2 को कितना से गुना करेंगे जो कि 8 हो जाए, 4 गुना बना तो आवर्धन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे इसका पुट करके देख लो, एम बराबर, यानी अगर बोला जाएगा आवर्धन क्या है, आवर्धन वस्तु के साइज और प्रतिबिंब के साइज के, साइज के बारे में बताता है कि वस्तु का साइज प्रतिबिंब से कितना छोटा है या फिर कितना बड़ा है। एम बराबर एच डैश बाय एच, तो एच डैश का वैल्यू कितना है, 8/2 कटा दे तो कितना आ गया, 4। तो यानी 4 का मीनिंग क्या हुआ कि वस्तु का साइज जितना होगा उससे 4 गुना अधिक बड़ा प्रतिबिंब बना होगा, समझे। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट था, यानी आवर्धन से रिलेटेड, ठीक है बच्चों। आवर्धन का एक फॉर्मूला होता है, यू वी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो एम बराबर होता है -v/u, ठीक। ये फॉर्मूला प्रूफ पूछता नहीं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट प्रूफ नहीं करेंगे, बस इसको सिंपल से करेंगे। तो ऐसा रहेगा तो हम मिरर मिडलैंड्स में आप लोगों को करके दिखा देंगे। तो एम बराबर क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला -v/u। अब देखना, जब सवाल में प्रतिबिंब वास्तविक हो, यही सब चीज याद रखना है, प्रतिबिंब वास्तविक हो तो m का मान क्या चीज में लेना है, निगेटिव लेना है हम लोग, m का मान क्या चीज में लेना, निगेटिव में लेना होगा, निगेटिव यानी माइनस, समझे। जब क्या हो, सवाल में प्रतिबिंब वास्तविक हो। अब प्रतिबिंब जब वास्तविक होगा तो m का मान क्या चीज में आएगा, निगेटिव में, ठीक। और जब प्रतिबिंब आभासी होगा उसका उल्टा हो जाएगा, तब ना आभासी हो तब m का मान, यानी आवर्धन का मान क्या चीज में आएगा, पॉजिटिव हो, समझे बच्चों। तो ये m का मान क्या चीज में होगा, प्लस में होगा, पॉजिटिव में होगा। अब जब सिर्फ दिया है क्वेश्चन में कि कुछ नहीं दिया है, ना वास्तविक दिया है ना आभासी दिया है, तब m का मान आपको दोनों में लेना पड़ेगा। एक बार पहले प्लस पे बनाओ, यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तब क्या होगा, यदि प्रतिबिंब क्या बोलते हैं उसको, दैट मींस कि आभासी हो तब क्या कंडीशंस आएगा, ठीक। तो ये कंसेप्ट हुआ आपका, ठीक। अब अगर प्रतिबिंब को पहचानोगे कैसे सवाल में, तो वहां पे लिखा पड़ेगा साफ साफ, ठीक, कि 3 गुना प्रतिबिंब बनाता है, टाइम्स यानी तो गुना वर्ड का यूज हमेशा किया रहेगा, 4 गुना बनाएगा, 5 गुना बनाएगा, 8 गुना बनाएगा। तो 4 गुना बनाएगा तो m का मान कितना, 4। अगर 3 गुना बनाएगा तो m का मान कितना, 3। अगर 6 गुना बनाएगा तो m का मान कितना, 6।
अगर 2.5 गुना से अढ़ाई गुना बनाएगा तो m का मान कितना, 2.1/2। ठीक, अगर बोला जाए सिर्फ इसका, कोई बोलेगा कि इसका ऐसा यूनिट को क्या होता है क्या, इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं, डायमेंशन लेस है ये। ठीक, क्यों, क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई मीटर में, वस्तु की ऊंचाई मीटर में, मीटर मीटर कट गया, कुछ नहीं बचा, समझे। तो ये ऐसा कंडीशन रहेगा, अगर ऐसा रहेगा प्रतिबिंब कोई वस्तु का प्रतिबिंब, कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार है वो 4 गुना वास्तविक है, अब 4 गुना भी है और वास्तविक भी है, 4 गुना भी और वास्तविक भी है, तो m का मान -4। अगर 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो अब आभासी भी है और 3 गुना भी है, तो m का मान 3, आभासी है तो +3। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये आपका कंसेप्ट था बेसिक सा। अब इसी को अगर हम लोग दोनों को इक्वल करें, mm बराबर हो गया, तो यानी इसको लिख सकते हो कि -v/u इज इक्वल्स टू h-h या नहीं तो hi/ho। यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, उससे रिलेटेड अगर कुछ एक टॉपिक है जो अगर छोटा बढ़ेगा तो हम उसको डील कर देंगे अगले क्लास में। तो अभी जो है डैट मींस क्या है कि आप लोग जो बेसिक चीज़ है वो खुद से कर सकते हो, जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है और अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, तो वैसे कल मैं डील कर दूंगा ऐसा। ठीक, तो कल से हम लोगों का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन, ठीक, ये स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर, और मैथ्स का वीडियो आप लोगों को सामने प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।